आज हम लोग तुल्यकाली मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर का अध्ययन करेंगे। तो चर्चा हो चुकी है, आप लोगों को मालूम है कि तुल्यकाली मोटर हमारा जो है संरचना में एकदम तुल्यकाली जनरेटर यानी एसी जनरेटर के समान है, और इतनी संरचना सेम है कि हम लोग जो है तुल्यकाली जनरेटर यानी एसी जनरेटर को तुल्यकाली मोटर की तरह और तुल्यकाली मोटर को तुल्यकाली जनरेटर अथवा एसी जनरेटर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसी जनरेटर, उसी को सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं क्योंकि वो परम स्थिर गति पर चलाया जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी या बराबर पी गुड़े यन अपान 120 होता है। तो अगर यन बदल जाएगा, यन ही आरपीएम है, गति है, यदि वह बदल जाएगी तो हमारी जो है फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी में जो उतार चढ़ाव है वो प्लस माइनस 3% का है, यानी इंडिया में 50 है तो डेढ़ हुआ, 100 में 3 है तो 50 में डेढ़ हुआ, तो 51.5 हर्ट्ज़ हो सकता है अथवा 48.5, प्लस करेंगे तो 51.5, माइनस करेंगे डेढ़ तो 48.5। इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव फ्रीक्वेंसी में नहीं है। तो जब बेटा उतार चढ़ाव इतना है, वेरिएशन इतने अलाउ है, तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी को नियत रखना है, और फ्रीक्वेंसी या बराबर आप लोग जानते हैं पी गुड़े यन अपान 120 होता है, यही यन जो है आपका आरपीएम है, तो इसे जो है स्थिर रखना जरूरी है। तो जब इसे स्थिर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थिर पर जो भी चलेगा उसे हम, और इसे जो है स्थिर का मतलब परम स्थिर, तो इसे जब स्थिर रखेंगे तो जो वस्तु स्थिर गति पर चले, उससे कम पर न चले, उससे अधिक पर न चले, उसी स्थिर गति वाले को हम लोग अंग्रेजी में सिंक्रोनस कहते हैं, अंग्रेजी में सिंक्रोनस और हिंदी में तुल्यकाली। तो इस सिद्धांत पर जो काम करेगा उसे हम कहेंगे सिंक्रोनस जनरेटर बोलेंगे, अथवा उसी को कहेंगे, अगर मोटर है तो कहेंगे सिंक्रोनस मोटर। इस तरह से सिंक्रोनस जनरेटर जो हमारा एसी जनरेटर है, जो एसी है वो एसी जो है तरंग फार्म में, वेव फार्म में ऐसे चलता है, जैसे कि आप पानी में पत्थर मार दें तो पानी ऐसे ऐसे करने लगता है, या रस्सी का एक सिरा बंधा हो और उसे आप दूसरे सिरे पर हाथ से जो है उसमें विक्षोभ पैदा कर दें, डिस्टरबेंस पैदा कर दें, ऊर्जा उसमें डाल दें झटका मार कर, तो हमारी रस्सी भी ऐसे ऐसे करने लगती, तो उसी को हम लोग कहते हैं तरंग जा रही, ये हमारा विक्षोभ वेव गया, जहाँ पर वेव जाता है बेटा यानी ऊर्जा है, वहीं ऊर्जा जहाँ जाती है वहाँ की रस्सी अपने आप देखेंगे ऐसे ऊपर उठेगी और फिर ऐसे नीचे जाएगी, फिर ऐसे ऊपर उठेगी, वो ऊर्जा के कारण, नहीं तो रस्सी तो आपकी सीधी है। वैसे पानी ऊर्जा के कारण ऐसे 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 करने लगता है, और ऊर्जा पानी के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से बेटा यहाँ आपने पत्थर फेंका और किनारे की ओर वो बढ़ती जाती है, और पानी अंदर का शांत होता जाए, अब जहाँ जाएगी अब वहाँ का पानी ऐसे करेगा, फिर ऐसे होगा, फिर शांत हो जाएगा, अब आगे ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ऊर्जा हमारी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती रहती है, तो उसी को वेव कहते हैं, अंग्रेजी में वेव, ठीक है ना। तो वेव मतलब तरंग, तो हमारी तरंग ऐसे चल रही, तरंग जहाँ भी जाती है अपने साथ ऊर्जा लेकर जाती है, तरंग हमारा ऊर्जा ले जाने का एक माध्यम है, तो तरंग के रूप में ऐसे ये भी ऐसे ऐसे चलती है, तो इसलिए इसे भी हम लोग कहते हैं तरंग फॉर्म। और जब तरंग हमारी चलती है तो साइंस में आप तरंग में पढ़े हैं कि तरंग में आयाम होता है, तरंग में आवर्तकाल होता है, तरंग में ही जो है आपका तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, ये सब आपने पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सब जो है अब आपके तरंग में होता है, इसलिए अब आपके एसी में भी होगा, एसी सप्लाई में भी होगा, डीसी में ये सब कुछ नहीं,
क्योंकि एसी भी हमारी तरंग रूप में चलती है, इसीलिए तरंग रूप में चलती है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं वेव फार्म। क्या कहें? हाँ, वेव फार्म कहते हैं या तरंग रूप कहते हैं। और फिर साइन वेव में चलती है तो इसे हम लोग कहते हैं साइन वेव। तो ये भी तरंग रूप में चलेगी, हमारे एसी में भी आयाम होगा, आवर्तकाल होगा, तरंग दैर्ध्य होगा, आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी। तो यही आवृत्ति जो है ये आवृत्ति है यम। और आवृत्ति क्या होती है? एक सेकेंड में चक्रों की संख्या। आवृत्ति क्या है? एक सेकेंड में चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो ये आवृत्ति कहलाती है चक्रों की संख्या, जिसका मान जो है हम लोग इससे निर्धारित करते हैं। और यही एन क्या है? अल्टरनेटर को चलाने वाला जो हमारा प्राथमिक चालक होता है, प्राइम मूवर होता है, उसकी गति कैपिटल एन आरपीएम आप कर देंगे तो वो 1500 पर नाच रहा है, तो 1500 पर ही आपके अल्टरनेटर के रोटर को नचाएगा, तो आपके अल्टरनेटर की भी गति परम स्थिर होगी। इसलिए अब वो जनरेटर या आपका एसी जनरेटर जो है कहलाएगा सिंक्रोनस जनरेटर अथवा तुल्यकालिक जनरेटर। अब उसी जनरेटर को हम लोग एज ए सिंक्रोनस मोटर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो संरचना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंक्रोनस जनरेटर की, अथवा उसी को एसी जनरेटर कहेंगे अथवा उसी को अल्टरनेटर कहेंगे। इसकी संरचना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए अब सिंक्रोनस मोटर की संरचना हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ऑलरेडी वैसे ही है कि आप कहेंगे इसमें भी एक बॉडी होती है कास्ट स्टील की या फिर कास्ट आयरन की, जिसमें सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों का लैमिनेटेड रोड जो है लगा दिया जाता है, उसमें भी स्लॉट जो है ओपन रहेंगे, सेमी क्लोज रहेंगे, क्लोज टाइप के स्लॉट बना दिए जाते हैं, फिर उसमें भी कापर तार से अथवा स्ट्रिप से अथवा खोखले तार से हम लोग क्या करेंगे, ट्यूबुलर तार जिसे कहेंगे, उससे जो है वाइंडिंग कर देते हैं। और जो हैवी हैं उनमें हम लोग जो हाइड्रोजन गैस डालते हैं, क्योंकि वो स्टेटर पर है, स्थिर है, बॉडी के साथ है, आपके योग के साथ है, फ्रेम के साथ है, वो स्थिर है बाइंडिंग, जो मेन बाइंडिंग है तो उसे हम लोग स्टेटर बाइंडिंग कहते हैं। अब वो स्थिर है तो उसमें कोई भी इस टाइप का ना मैकेनिकल ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो वो उसमें हम लोग कूलिंग भी आराम से कर देते हैं, एक तरफ से जो है हाइड्रोजन गैस डालेंगे, दूसरे के तरफ से निकालते रहेंगे, और हाइड्रोजन गैस जो है ट्यूबुलर तारों में से होकर जाती रहती है, तो उनको ठंडा करती रहती है, जिससे आई स्क्वायर आर से वो कम गर्म होंगे। तो ये सब बातें हुई। और रोटर पर हम लोग जो है चुंबक को फिट करते हैं, तो उसे कहते हैं रोटेटिंग जो है फील्ड टाइप का। तो जो व्यावसायिक उत्पादन है तो उसमें सब हम लोग पढ़े हैं। फिर इन चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए दो स्लिप रिंग लगाएंगे पी और एन, उनसे डीसी सप्लाई देकर हम लोग चुंबकों को उत्तेजित करते हैं। संट जनरेटर जिसकी वोल्टेज जो है 240 वोल्ट ऐसे इस रेंज में रखते हैं, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वही सारे पार्ट्स इसमें भी लगे हैं, वही संरचना वो पढ़ना। अब हम लोग बात करते हैं आपका एसी जनरेटर जिसे हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। क्या कहते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर। तो यहां पर हम लिख देते हैं तुल्यकालिक मोटर, चैप्टर हम लोग का है तुल्यकालिक मोटर, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे सिंक्रोनस। तो हम लोग एसी जनरेटर अभी पढ़े हैं, तो एसी जनरेटर और हमारे तुल्यकालिक मोटर की संरचना एकदम सेम है,
तो अब देखें हम लोग अगर एसी जनरेटर या तुल्यकालिक जनरेटर की बात करें इसमें हम लोग क्या करते हैं ये बॉडी पर जो है जिसे हम लोग स्टेटर बोलते हैं इस पर थ्री फेज की वाइंडिंग यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट ऐसे मान लीजिए लगा दिया थ्री फेज की ये वाइंडिंग यहाँ पर लगा दिया ये आपका टर्मिनल हो गया। यहाँ पर हम लोग जो है सॉफ्ट लगा देते हैं इस पर हम लोग जो है चुंबक चढ़ा देते हैं और इन्हीं को ये बेटा साइलेंट पोल है कैसा पोल है साइलेंट। अब इन पर जो है हम लोग डीसी सप्लाई इसमें जो है डालते हैं ऐसे ऐसे डाला और इसमें ऐसे उल्टे कर दिया बस एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल बन और यहाँ से हम लोग जो है डीसी सप्लाई लेंगे। कौन सी सप्लाई हाँ डीसी सप्लाई के लिए हम लोग कौन सा जनरेटर पूछता है तो हम लोग संट जनरेटर का प्रयोग करें। कौन सा जनरेटर हाँ संट जनरेटर का प्रयोग करेंगे जो कि 240 वोल्ट से बहुत है 600 वोल्ट तक जाएगा इतना वोल्ट अमूमन इतने का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से डीसी सप्लाई देंगे और दो ही स्लिप रिंग लगानी होगी एक प्लस के लिए एक माइनस के प्लस वाले के लिए यहाँ पर धुरे पर ई कहेंगे और इसके लिए निगेटिव माने एन कहेंगे। तो दो स्लिप रिंग पी और एन लगाते हैं और दो कार्बन ब्रुश लग जाएंगे और इस नाचते हुए में हमारी सप्लाई जाती रहेगी और इसमें जो धारा जाएगी उसे हम लोग कहेंगे आई एफ फील्ड धारा आई एफ और इस वाइंडिंग को कहेंगे फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है ये फील्ड वाइंडिंग यही है आपकी फील्ड वाइंडिंग इसे बेटा स्टेटर बोलेंगे स्टेटर यानी स्थाता और स्थाता पर इसी को आर्मेचर भी बोलेंगे। तो हमारा आर्मेचर जो है वो स्टेटर पर है यानी स्थिर जो भाग स्थिर है उसे हम लोग स्टेटर बोलते हैं और ये फील्ड वाइंडिंग और ये जो है पूरा सिस्टम जो है ये आपका रोटर तो ये हो गया रोटर। तो रोटर पर हमारा कौन है फील्ड या इसे कहेंगे रोटर हमारा कौन है तो हमारा रोटर जो है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक हाँ फील्ड है बेटा। तो शॉर्ट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ना कह के केवल फील्ड फील्ड बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटर पर है रोटर को हम लोग घूर्णक बोलते हैं हिंदी में घूर्णक अथवा रोटर पर ये नाचता है तो इसीलिए उसका नाम हो गया रोटर। तो बेसिकली जो है जनरेटर को केवल दो भागों में बांट दिया गया बेटा स्टेटर में और रोटर। स्टेटर क्या है ये है इस पर है आर्मेचर वाइंडिंग ये क्या है आर्मेचर वाइंडिंग। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग को ही हम लोग जो है अब शॉर्ट में कहते हैं स्टेटर वाइंडिंग क्या कहें हाँ चूंकि ये स्टेटर पर फिक्स है बॉडी के साथ फिक्स है तो इसलिए इसका नाम अब आर्मेचर वाइंडिंग ना कह के शॉर्ट में हम लोग स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं और इसे जो है रोटर कहेंगे अथवा रोटर वाइंडिंग कहेंगे और रोटर पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसे एक्साइट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग है और इस फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दी जा रही है सन जनरेटर से। यही हमारे जो है बेटा जनरेटर या एसी जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर की संरचना। अब इसी धुर्रे को हम लोग जो है अब इस धुर्रे को हम लोग नचाएंगे किससे नचाएंगे तो डीजल इंजन जिसे हम लोग प्राथमिक चालक कहेंगे प्राथमिक चालक अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं प्राइम मूवर और ये प्राइम मूवर हमारा डीजल इंजन होगा ठीक है ना भैया डीजल इंजन होगा या टर्बाइन होगा। तो
ये जब इसे नचाएगा तो इससे निकलने वाले फ्लक्स इन बाइंडिंगों से कटेंगे, जिससे इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए आपने पढ़ा कि वो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस बाइंडिंगों में उत्पन्न होगा, यहाँ पर ई उत्पन्न होगा, यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, ई उत्पन्न। और प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे उत्पन्न होगा, किस नियम से? हाँ, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से इस कुंडली में बाइंडिंग में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग कहेंगे ई। और ई बराबर है फाई जेड एन ई अपान 60 वोल्ट। और इसी को हम लोग आगे और विस्तारित किए बेटा, पी और एन बटे 120 के जगह पर एफ रखा, तो हम लोगों ने इसी को विस्तारित करके और लास्ट में इसी से हम लोगों ने ज्ञात किया कि ई प्रति फेज या ई आर एम एस प्रति फेज, ई आर एम एस प्रति फेज, शॉर्ट में इसे खाली ई बोला गया या ई पी बोला गया ऐसे। तो ये बराबर आपने लिखा कि 4.44 के पी के डी वाई एफ पी वोल्ट आ गया, वोल्ट भैया ये, अथवा लिखा या लिखा, या लिखा 2.22 के पी के डी वाई एफ जेड बोल्ट, ये दोनों फार्मूले हैं ई पी बराबर, ये आपने ज्ञात किया। तो ये दोनों फार्मूले हैं, जब जेड के रूप में तो 2.2 और टर्न के रूप में 4.4, क्योंकि एक टर्न में दो चालक हो जाते हैं, तो 10 टर्न है तो 20 चालक हो जाएंगे, तो 2t लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से है, तो ये जब विद्युत वाहक बल बन जाएगा तो इसी बाइंडिंग के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसी बाइंडिंग के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट होने लगते हैं और यहाँ पहुँचने लगेंगे। तो यहाँ पर हमें भी और जब सप्लाई जोड़ देंगे इनसे, हम लोग जो है अब कहीं पर भी सप्लाई अगर ऐसे ले जा रहे हैं और इस तार में ऐसे हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो अब आपने लोड डाल दिया, अब ये लोड जो है धारा खींचने लगेगा, तो हमारी धारा भी यहाँ से अब आई एम्पियर की मान लीजिए जाने, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई घटकर यहाँ मिलेगा टर्मिनल पर, तो इसे कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज भी, यानी ई ही घटकर भी बन जाता, ठीक है। घटेगा क्यों? क्योंकि बाइंडिंग का जो प्रतिरोध, अभी आपने पढ़ा कि वोल्टता पात होता है, वोल्टता पात भी बराबर आई जेड हो जाएगा, क्योंकि इस बाइंडिंग में जो है, इस बाइंडिंग में प्रतिरोध आर भी है और इसका प्रतिघात एक्सएल भी, कुंडली है ना, तो कुंडली में प्रतिघात एक्सएल भी होता है और प्रतिरोध आर भी होता है, तो इसकी कुल प्रतिबाधा जेड बराबर, आप जो है एसी थ्योरी में या एसी सिद्धांत पढ़े हैं कि जेड बराबर होता है कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और इतना ओम होता है, इससे जेड का मान ज्ञात कर। वैसे ही सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ठीक है ना, हाँ। तो ये वोल्टता पात यानी एसी को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे, तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो है वी बराबर आई जेड वोल्ट जो है ये आ गया ओम में, और इतना ये वोल्टेज खा जाएगी ये कुंडली या कुंडली का जो अवरोध है, तब उसके बाद ई जो घट जाएगा और घटने के बाद जितना बनेगा वो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। ई सप्त मोटर के अंदर की कहानी है बेटा, हमें जो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा वही हमारे काम आता है, उसी को हम लोग कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो ये टर्मिनल वोल्टेज वी और आई जब चलने लगेगा, आपकी सप्लाई डालेंगे, तो ये आई जो है हम लोगों के घरों में जाएगी और हम लोगों का बल्ब पंखा सब जलने लगेगा और जो भी है वो काम होने लगेगा। अब उल्टे कहानी देखिए, तो ये बन गया आपका जनरेटर, ये क्या हो गया, यही है आपका एसी जनरेटर, इसी को कहेंगे
सिंक्रोनस जल, क्योंकि अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी यह बराबर पीएन अपान 120 होती है। यही जो प्राथमिक चालक इसको नचाएगा उसी की गति यन आरपीएम जो है, यन आरपीएम है, और इसे जो है स्थिर रखना, नहीं स्थिर रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी यह बराबर पीएन अपान 120 वाले फार्मूले से यन अगर स्थिर नहीं रखेंगे तो इसका मान 50 हर्ट्ज इंडिया में है ये बदल जाए, तो 50 हर्ट्ज बदलने न पावे। पोल तो आपकी कंपनी ने लगा दिया है, पोल चार पोल दो पोल जो भी लगाया है, पोल दो पोल एक पोल दो पोल चार पोल जो भी लगाया है उसे जो है हम और आप बदल नहीं सकते, हम और आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन यन जो है हम प्राथमिक चालक की अपने डीजल इंजन की टरबाइन की जो है माने स्पीड को बदल सकते हैं। तो ये स्पीड अगर कंपनी सेट करके दी है तो इसीलिए हम लोग इसे बदलते नहीं हैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी सेट कर देती है कि भाई ये 1000 आरपीएम पर नाचेगा कि 1500 पर कि 3000 पर नाचेगा, तो जितने पर नाचेगा उतने पर ही हमारे रोटर को नचाएगा। इस तरह से रोटर की गति 3000 है तो 3000 पर इसे नचाएगा और तब हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आएगी, और 3000 से ज़्यादा पर नचा दिया या 1500 फिक्स किया गया उससे ज़्यादा पर नचा दिया 1600 पर नचाने लगे तो जनरली जो दो पोल के होते हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज निर्धारित करने के लिए उनके यन का मान 3000 आरपीएम आता है, तो वो 3000 को हम लोग जो है सेट करें। तो ये परम स्थिर गति पर ही ये नाचेगा, इसीलिए ये एसी जनरेटर हमारा सिंक्रोनस है। अब चलिए उल्टे चलते हैं, अब इसी जनरेटर को एज ए सिंक्रोनस एसी जनरेटर को अब बेटा सिंक्रोनस मोटर की तरह से प्रयोग करना, सिंक्रोनस मोटर की तरह से प्रयोग करना है। अब क्या करेंगे, जनरेटर में तो भाई यहाँ से डीसी भी दिया और फिर इसको जो है प्राथमिक चालक के द्वारा नचाना शुरू किया, तब जाके फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत वाहक बल्ब बनने लगा और सप्लाई हमें मिलने लगी। अब आगे जो है अब जब मोटर की तरह से यूज करेंगे तो ये मोटर खुद नाचेगी और इस पर पुली पट्टा चढ़ाकर हमें काम देना, ठीक है ना। मोटर वह युक्ति है बेटा जो वैद्युत ऊर्जा लेकर हमें यांत्रिक ऊर्जा देती है, यांत्रिक ऊर्जा वही है कि हमारा पुली पट्टा नाचने लगता है, जब घूर्णी गति करने लगा तो हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं और अपना चक्की चलाएंगे और जो भी काम करना वो करेंगे। तो इस तरह से मोटर जो है वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो अब ये ऑलरेडी नाचेगी तो हमें अब नचाने की जरूरत नहीं है। अब जब मोटर की तरह से इसका प्रयोग करेंगे तो ये प्राथमिक चालक को जो है अब मान लीजिए बंद कर, अब इसका उपयोग अभी बंद कर देंगे, इसे नहीं चलाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से सप्लाई अपने घर में ले जा रहे थे अब वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी टर्मिनल पर अब सप्लाई डालें, इसी टर्मिनल में अब क्या करेंगे सप्लाई डालेंगे। तो जो भी आपके कनेक्शन आपने लिया है अपने पोल से आपके घर में कनेक्शन आ रहा है, मीटर से आ रहा है, अब मीटर के बाद जो है केवी का कनेक्शन आप इसमें डालें भैया, तो अब इसमें भी वोल्ट की सप्लाई आने लगेगी और आई एम्पियर की धारा, अब इतना आप यहाँ से इनपुट करने लगेंगे, क्या करेंगे यहाँ से इनपुट करेंगे यानी देंगे, अभी जनरेटर में ले रहे थे अब वही वोल्टेज इसमें डालें। मान लीजिए जनरेटर है आपका बाहर चल रहा है, यहाँ मोटर आप लगाए हुए हैं तो जनरेटर से जो सप्लाई आ रही है बेटा आप उसे क्या करेंगे इसी में डालें। तो जब ये डालेंगे तो ये देखिए तीन फेज का है, आप लोगों को बताया गया बेटा कि एक फेज से एसी के एक फेज से एसी के एक फेज से प्रत्यावर्ती प्रत्या
वर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन बहुत पूछता है दो या दो से अधिक फेज की सप्लाई होने पर, हाँ फेज की, फेज की बेटा सप्लाई होने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये बहुत पूछता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, तो बहुत पूछता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए कम से कम कितने फेजों की जरूरत। दो फेजों की जरूरत, तो दो फेजों की जरूरत पड़ती है बेटा। अब इनकी गति लिख लें कि और इस रोटेटिंग फील्ड जो बनेगा इसकी गति परम स्थिर हो। अगली पॉइंट, रोटेटिंग या हिंदी में कहेंगे घूर्णी या चुंबकीय क्षेत्र, इसी को क्या कहेंगे घूर्णी या चुंबकीय क्षेत्र की गति परम स्थिर होती है, परम स्थिर होती है। परम स्थिर कोई कहेंगे सिंक्रोनस होती है, कौन होती है सिंक्रोनस गति होती है, सिंक्रोनस गति या स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड होती है या परम स्थिर गति को सिंक्रोनस स्पीड होती है। और जिसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं निम्न सूत्र से सिंक्रोनस स्पीड NS लिख दें, एस फॉर सिंक्रोनस, फार्मूला वही है एफ बराबर पी एन अपान 120, एन एस बराबर हो गया 120 एफ अपान पी, इतना आरपीएम आ जाए, ठीक है ना। इस गति, इससे हम लोग एन एस ज्ञात करें। अब देखिए ना, इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 है, यहाँ 50 रखेंगे, पोलों की संख्या हम लोग निर्धारित करेंगे। इसमें पोल भी कैसे बनते हैं ये देख लीजिए ध्यान से। पोल हमारा जो है, जब इस बाइंडिंग में, यहाँ पर चलिए यहाँ पर बनाते हैं, जैसे एक बाइंडिंग बेटा एक टर्न आपने ऐसे बना दिया, ऐसे एक टर्न बना दिया, ऐसे एक टर्न बना दिया, और यहाँ से आपने सप्लाई इसमें एसी डाल दिया, आई धारा जा रही है। ये देखिए आई धारा इसमें जाएगी तो धारा आपकी बेटा इस सिरे से ऐसे घुसेगी और फिर इस सिरे से ऐसे निकलेगी, आई ऐसे जा रही है। अब ये क्या बनेगा, कौन सा पोल बनेगा, तो ये देखिए इस टाइप का ये धारा, ये ऐसे जा रही है और इधर ऐसे आ रही है, तो ये बन गया साउथ। तो ऐसे इस बाइंडिंग में हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल बनाते हैं, ये आपने पढ़ा ना कि जब किसी तार में, ओस्टेड साहब ने बताया कि जब किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, और आधा चक्र बेटा धनात्मक वाला अगर नॉर्थ पोल बनाता है तो आधा नीचे वाला ऋणात्मक चक्र साउथ पोल बनाता है। अभी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ऐसे जो है हम लोग साउथ पोल, और फिर जो है मान लीजिए कि इसी सप्लाई को बेटा हम लोग ऐसे ले जाएं और यहां से डाल दें, ऐसे डाल दिया, ये दूसरे टर्न में बेटा ऐसे डाल दिया, अब क्या होगा,
यहाँ से अब सप्लाई निकलेगी, ऐसे जाएगी और इसमें घुसेगी और ऐसे होते हुए और ये ऐसे आएगी। अब देखिए ये ऐसे बन, ये नॉर्थ पोल। तो ऐसे हम लोग जो है इन वाइंडिंग में टर्नों माने टर्नों को बेटा ऐसे कनेक्ट करके हम लोग उसमें साउथ और नॉर्थ ऐसे क्रिएट करते हैं। ये पोल, इस पोल से मतलब नहीं है जो दो पोल आते हैं, इस पोल से मतलब नहीं है, वो बाइंडिंग का पोल, इस वाले बाइंडिंग का पोल। ये बाइंडिंग में ऐसे टर्न हम लोग लगा के और सप्लाई इसमें डालकर ऐसे साउथ और नॉर्थ बनाते हैं। तो इनमें पोलों की संख्या ये है, ये पोलों की संख्या, इस पोल की संख्या नहीं है बल्कि बाइंडिंग में पोलों की संख्या, ठीक है ना? ढूंढते रह जाओ। तो ऐसे हम लोग पोल निर्धारित कर लेंगे। चलिए तो ये पोल जो है बेटा यहां पर रखते हैं और फिर हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि भाई इसकी गति कितनी है। अब इसकी गति मान लीजिए कि दो पोल का आपने बनाया है तो इनकी गति यहाँ पर, अब आप दो पोल का बनाए तो 120 गुणे इंडिया में फ्रिक्वेंसी 50 है और बटे दो है, दो से काट देंगे, पोल का मान दो लिया तो ये 60 आया, बराबर 3000 आरपीएम आ गया। तो दो पोल का है तो इसलिए अब इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र आप बोल रहे हैं बेटा, उसकी गति आ गई 3000 आरपीएम। यानी अब इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है इस बाइंडिंग में, चूंकि ये तीन फेज की है इसलिए ये ऐसे नाचेगी, क्लॉकवाइज नाचेगी और इसकी गति ns होगी और ns का मान अभी आपने ज्ञात किया कि ये 3000 आरपीएम पर नाचेगी। तो अतः इसकी गति अब 3000 आरपीएम होगी पर ये नाचेगा पक्का। आप दूसर की बात ये देखिए कि इसका आवर्तकाल कितना है, तो आपने कहा कि चक्रों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है, एक सेकेंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है और इंडिया में उसका मान 50 है, यानी एक सेकेंड में कितने चक्र बन रहे हैं, 50 चक्र बन रहे हैं। तो आप लोगों को पिछले दिनों बात हुई थी कि भाई जब 50 चक्र बनने में समय लगता है एक सेकेंड का, इसलिए एक चक्र बनने में समय लगेगा 1/50 सेकेंड। तो एक चक्र बनने में लगे समय को ही आवर्तकाल कहते हैं बेटा। तो हमारा आवर्तकाल जो एसी का आवर्तकाल है, वो आवर्तकाल जिसे कैपिटल टी से या पीरियडिक टाइम कहते हैं, कैपिटल टी बराबर हो गया 1/50 सेकेंड बराबर हो गया 0.02 सेकेंड, ठीक है ना? या आप फार्मूला कहेंगे तो कहेंगे टी बराबर 1/f होगा, यही एफ फ्रिक्वेंसी, ये फार्मूला होगा। अथवा कोई लड़का कह सकता है एफ बराबर 1/T आवर्त का, या एफ टी बराबर 1, कोई लड़का कह सकता है एफ गुणे टी बराबर 1, बोलिए ना, ये हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। तो इस तरह से एक चक्र जो है आपका यही वाला एक चक्र है, जैसे ऐसे गया सप्लाई और ये ऐसे, तो यही एक चक्र है, ये आधा वाला ऊपर वाला जो है ऐसे हो गया चक्र, ये आधा ऊपर वाला हो गया और ये आधा नीचे वाला ऐसे मिला देते हैं बेटा, तो इसी को कहते हैं एक चक्र। यानी ये यहाँ से यहाँ तक मिलकर, ये यहाँ तक मिलकर एक चक्र बनता है, यही एक चक्र। और ऐसे ऐसे एक सेकेंड में 50 चक्र बनेंगे, ये एक चक्र हुआ ऐसे, फिर दूसरा चक्र, फिर तीसरा, ऐसे एक सेकेंड में 50 चक्र बने। तो एक चक्र में, एक चक्र बनने में कितना समय लग रहा है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्र के समय को, ये समय को क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, उसका मान है 1/50। अब आधा चक्र बनने में कितना समय लगेगा,
तो आधा चक्र बनने में लगेगा, अब इसका भी आधा हो जाएगा, तो 1/50 का आधा हो जाएगा 1/100, कितना हो जाएगा? हाँ, तो आधा चक्र का समय हो गया, आधे चक्र का समय हो गया बेटा, इस समय का भी आधा समय लगेगा, तो हो जाएगा 1/100 से कितना हो जाएगा? 1/100 से, क्लियर है ना? तो 1/100 सेकेंड के अंतराल पर, माने यहां से अगर हमारी धारा चलती है और यहां तक पहुंचती है तो 1/100 सेकेंड लगेगा, और फिर ये यहां से चलकर यहां चलेगी तो 1/100 सेकेंड लगेगा। 1/100 सेकेंड पर अगर ये नॉर्थ पोल बना रहा है तो ये बनाएगा साउथ पोल, यानी 1/100 सेकेंड के अंतराल पर हमारे पोल जो है एसी के कारण चेंज होते रहते हैं खटाखट खटाखट। यही नॉर्थ है तले, फिर हाँ साउथ बन जाएगा इसी बाइंड। जैसे इसका आधा चक्र इसमें घुसेगा तैसे नॉर्थ पोल बन जाएगी, और जैसे आधा चक्र यानी यहाँ पर 1/100 सेकेंड पूरा हो जाएगा तैसे यही बाइंडिंग जो है खड़गे जो है नॉर्थ से बदलकर साउथ हो जाएगी, क्योंकि अब धारा का ये वाला चक्र इसमें चल रहा है, वहाँ से आप बाहर से डाल रहे तो ये खड़दे वहीं सिरा साउथ बन जाएगा, फिर तबले अगला चक्र शुरू हो जाएगा, फिर यही यही बिंदु जो है साउथ से फिर अब नॉर्थ बन जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि एक है ये, इसको मान लीजिए कि ये हमारा जो है इस समय जो है नॉर्थ है, इस समय क्या है नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल है और ये चुंबक वाला, तो ये स्थाई पोल है क्योंकि इसमें हम लोग डीसी डाले, तो ये परमानेंट नॉर्थ रहेगा, ये परमानेंट इस समय साउथ बना रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन एसी के कारण जो है हमेशा इस वाइंडिंग का किसी भी जगह का आप देखेंगे तो ऐसे जो है चेंज होता रहेगा, तो ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ होता रहता है। अब ये नॉर्थ जो है बनकर इसे अपने से दूर ढकेल रहा, समान पोल में प्रतिकर्षण रहेगा तो दूर ढकेलेगा, लेकिन इसे वो दूर ढकेल नहीं पाता है क्योंकि ये जड़त्व के कारण हैवी है, इसमें भी वेट है, भार है, रोटर में आपके चुंबकों में वाइंडिंग लपेटी गई है, धुर्रा है, बैरिंग है, तो सब लोड है, तो ये जो है अभी चल नहीं पाता जड़त्व के कारण। जड़त्व यही ना कहता है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है और जो गतिशील है उसी चाल से गतिशील रहना चाहती है, चाल में थोड़ा भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हम और आप देखें ना प्रैक्टिकली दौड़ रहे हैं तो जो गति है हमारी वो हमारे कमर की, धड़ की और सीने की वो मेंटेन हो जाती है पैर की वजह से, अब पैर में हल्का भी ठोकर लगता है तो ये चूंकि इसकी गति सिर की, धड़ की, कमर से ऊपर वाले की भी गति सेम बनी रहती है, लेकिन पैर हमारा रुक जाता है या हल्का सा पिछड़ जाता है तो हम आगे के बल गिर जाते हैं, क्योंकि ये उसी गति से चल रहा है, ये गति में जो है वेरिएशन अलाउ नहीं करता। इस तरह से जो वस्तु जिस गति से चल रही है उसी गति से चलते रहना चाहती है, तो अब जो है ये जड़त्व के कारण स्थिर है तो अभी स्थिर ही रहना चाहता है, ये अभी चला नहीं, तब तक क्या होता है 1/100 सेकेंड का समय पूरा हो जाता है और फिर तभी ये नॉर्थ से बन जाता है साउथ पोल बन जाता। अब साउथ पोल बनकर एक समझने के लिए बात बता, बकिया तो ये जो है बेटा ना इस आरपीएम पर चल रहा है, इतना तेज चल रहा है ये इस आरपीएम पर, आपका इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो आप यूं भी अभी समझ सकते हैं कि जब तक बेटा 1/100 सेकेंड का समय पूरा हो जाता है और ये जो है रोटेट होकर, और अगर नॉर्थ था तो ये पहुंच जाता है साउथ पोल में, मान लीजिए दो ही पोल का आप इस बाइंडिंग को भी बनाए हैं तो अभी ये नॉर्थ था और तब तक जो है उस गति से रोटेट होकर खड़दे जो है यही साउथ पहुंच जाएगा। अब जब ये साउथ पोल बन जाएगा तो क्या होगा, अब इस पोल को विपरीत पोल में आकर्षण होता है बेटा, तो ये अपनी ओर खींचने लगता, ठीक है ना? अब जड़त्व के कारण उसे अपने खींच भी नहीं पाया, यानी थोड़ा भी खींच कर हिला भी नहीं पाया, तब तक फिर जो है 1/100 सेकेंड का समय पूरा हो जाता है
अथवा आप यूँ कहेंगे कि इस स्पीड से रोटेट होकर और इसका सिंक्रोनस स्पीड से चलकर और पुनः जो है साउथ के जगह नॉर्थ पोल बन जाता। इस तरह से यही कहानी बराबर चलती रहती है और हमारा जो है टिल स्टिल रहता है, रोटर हमारा टिल स्टिल रहता है, स्थिर रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, मूव नहीं कर पाता, ठीक है। जब यह मूव नहीं करेगा तो यही सब कहानी आपको बताई गई है कि इसकी संरचना एकदम जो है एसी जनरेटर से मिलती जुलती है। एसी जनरेटर का प्रयोग हम लोग जो है इस सिंक्रोनस मोटर की तरह कर सकते हैं। फिर इसमें भी जो है एसी सप्लाई यहाँ से आप दे रहे हैं, यहाँ से एसी सप्लाई मेन वाइंडिंग में देंगे और चुंबकों वाली वाइंडिंग में डीसी देंगे, अतः इस मोटर में एसी और डीसी दोनों सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद भी ये स्टार्ट नहीं है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है कि ये सप्लाई दिया बटन ऑन किया बस चलने लगी, स्थिर है नहीं चल रहा, इसलिए इसका स्टार्टिंग टार्क शून्य है। स्टार्टिंग टार्क क्या है? शून्य। अब इसे नचाना है तो क्या करना होगा? इसे नचाना है बेटा तो आप फिर जो जनरेटर में आप लगाए थे प्राथमिक चालक, अब वही प्राथमिक चालक फिर लगाकर और इससे इसकी आरपीएम ज्ञात करेंगे। आरपीएम अगर चार पोल है, यहाँ दो पोल है, अगर चार पोल रहता तो 1500, तो अब जो है ये प्राथमिक चालक इसे जो है 1500 या 3000 आरपीएम पर इस रोटर को नचाएगा और नचाने के बाद प्राथमिक चालक को बंद कर दें, हटा दें। जैसे ही हटाएंगे तो अब हमारे इस पोल की भी गति कितनी हो जाएगी? हाँ, एनएस हो जाएगी। इसकी भी गति कितनी होगी? हाँ, आपने एनएस पर नचा दिया। अब एनएस पर जब नचा देंगे तो कहीं ना कहीं इसके साउथ और इसके नॉर्थ के बीच और इसके नॉर्थ और इसके साउथ के बीच लिंकअप हो जाएगा। अब चूंकि ये भी साथ में नाच रहा है इसलिए विपरीत पोल में, इस विपरीत पोल में और इस विपरीत पोल में आकर्षण हो जाता है, उसको कहते हैं इंटरलॉक। इंटरैक्शन जो हुआ वो कैसा होगा? विपरीत पोल में आकर्षण का। तो ये विपरीत पोल में आकर्षण हो जाता है यानी इंटरलॉकिंग हो जाती है, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाती है। लॉक माने बंद होना ही है, तो इंटरलॉकिंग हो गई माने दोनों एक दूसरे से बंध जाते हैं। अब इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस गति से नाच रहा है उस गति से इस रोटर वाले चुंबक को भी अपने साथ खींचकर और ये इधर को खींचेगा, ये इधर की ओर लेके जाएगा और इस रोटर को लगातार जो है इसी गति पर नचाता रहेगा, इससे कम गति पर नहीं नचाएगा, नहीं तो ये और ये पिछड़ जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे और इंटरलॉकिंग टूट जाएगी और रोटर हमारा रुक जाएगा या पिछड़ जाएगा। इसलिए जब भी नाचेगा तो इंटरलॉकिंग के कारण नाचेगा बेटा, और इंटरलॉकिंग होने के लिए 3000 आरपीएम पर इसका भी गति का होना जरूरी है। और फिर जो है जैसे ही गति हो गई, इंटरलॉकिंग हो गई, अब हमारे जो है स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड की जिम्मेदारी हो जाती है। ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी गति 3000 आरपीएम है, वो रोटर को भी अपने साथ खींच कर जो है 3000 आरपीएम पर लगातार नचाता रहेगा। अभी इसका प्राथमिक चालक का कहानी ख़त्म, अब ये मोटर जो है दिन रात जो है चलती रहे 3000 आरपीएम फिक्स आरपीएम पर। अब ये 3000 पर चल रही है, यहाँ मैंने लिख दिया इसका एनएस 3000 है तो रोटर भी 3000 पर चलेगा, नहीं तो रोटर पिछड़ जाएगा। तो 3000 पर चलने के लिए इसकी गति जो है अब कहेंगे परम स्थिर है, इसलिए इसी धुरे पर अब जो है पुली पट्टा चढ़ा कर हम लोग काम लेंगे, उसकी भी गति 3000 है, इसलिए इस मोटर को ही यानी सिंक्रोनस जनरेटर को ही या एसी जनरेटर को ही अब इस दशा में कहेंगे कि ये बन गई सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकाली मोटर या परम स्थिर गति वाली मोटर। अब ये नाचेगी 3000 पर ही,
या 1500 इसका एनएस है तो 1500 पर नाचेगी, उससे कम पर नहीं नाचेगी, 1400 पर नहीं नाचेगी, 1600 पर नहीं नाचेगी, नाचेगी तो 1500 पर ही नाचेगी। चाहे आप शून्य भार पर चलावें, चाहे आधे भार पर चलावें, चाहे फुल लोड पर चलावें, या लोड थोड़ा मोड़ा अधिक भी कर दें तो चलेगी, 1500 है तो 1500। इसलिए इस मोटर का नाम पड़ा सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर या परम स्थिर गति वाली। ऐसा नहीं है कि जीरो लोड कर दिया तो स्पीड बढ़ गई, लोड डाल दिया तो स्पीड घट गई, चलेगी उतने पर, ठीक है ना। अगर हम लोग जो है लोड का मान और बढ़ा दिए तो क्या होगा, अकस्मात जो है इसका रोटर रुक जाएगा, यानी मोटर रुक जाएगा। उसका कारण क्या है कि हमारा एनएस जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर का है वो तो अपने गति से ही नाच रहा है, परम स्थिर गति है, चुंबकीय क्षेत्र की गति परम स्थिर होती है, तो वो तो 3000 है तो 3000, 1500 है 1500 पर चलेगा। लेकिन इस पर ओवरलोडिंग कर दिए, इस धुर्रे पर पुली पट्टा पर आप ओवरलोडिंग कर दिए, इसकी गति तब धीमी हो जाएगी, बस इनका नॉर्थ और साउथ का इंटरलॉकिंग जो है टूट जाएगा और मोटर रुक जाएगा, मोटर का रोटर रुक गया। मोटर का रोटर रुकना मतलब मोटर रुक गया। तो ये बातें आपको बताई, क्लियर हो गया। अब अगला जो है कहानी आपको, तो ये तो रहा मोटर के कार्य करने का सिद्धांत, यही है सिंक्रोनस। अब इनके क्षेत्र का अगर उत्तेजन हम लोग करते हैं, तो क्षेत्र का अगर उत्तेजन हम लोग करेंगे, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज को आपने कम किया, कम धारा जाएगी तो इनका उत्तेजन कम होगा। बोलिए भाई ना, पाई समान अनुपाते आए, क्या पाई समान अनुपाते आई। अब यहाँ आई का मान है आई एफ यानी फील्ड धारा, तो पाई समान अनुपाते आई एफ, ठीक है ना। जितने जो है तगड़ा जो है इसमें धारा जाएगी उतने तगड़ा इससे फ्लक्स निकले, और यही फ्लक्स ही है फाई, यही फ्लक्स ही है फाई, तब इन बाइंडिंगों से कटेगा। चलिए अभी देखो, तो जब इन बाइंडिंगों से यही फ्लक्स कटने लगेंगे तो ये जनरेटर का भी काम करने लगेगा। अभी आपने नचाया, रोटर आपका नाचने लगा, चुंबक नाचने लगा, पुली पट्टा चढ़ाकर आप काम लेने लगे, लेकिन फिर क्या होगा कि अब जनरेटर वाला काम अपने आप होने लगा, जिसको हम करा नहीं रहे हैं लेकिन वो अपने आप हो रहा है। अब जब ये चुंबक नाचने लगेगा तो चुंबक से निकलने वाले, हम पुली पट्टा चढ़ाकर इस पर काम ले रहे हैं, चुंबक हमारा 1500 आरपीएम पर नाच रहा है यानी रोटर नाच रहा है, तब इससे निकलने वाले फ्लक्स इन बाइंडिंगों से कटने लगते हैं और फिर जो है जनरेटर की तरह से इसमें विद्युत वाहक बल बनने लगता है, ठीक है ना। और उस विद्युत वाहक बल को ई ही कहेंगे, और इसी फार्मूले से क्या कहेंगे, उस विद्युत वाहक बल को क्या कहेंगे, ई ही कहेंगे, और फार्मूला भी यही लगाएंगे। लेकिन अब चूंकि जनरेटर में ये विद्युत वाहक बल था, अब मोटर में हो जाएगा विरोधी विद्युत वाहक बल, यानी ईबी, इसी को कहेंगे विरोधी विद्युत वाहक बल। कौन सा विरोधी? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अब इसी को आप लोग जो है यहाँ पर ई से व्यक्त, क्लियर है ना। इस तरह से विरोधी विद्युत वाहक बल का ये फार्मूला हो गया। ये हर मोटर में ऐसे ही कहानी होने लगी, डीसी वाली मोटर जब नाचेगी तो उसमें भी ऐसे ही होगा। तो इस तरह से ये विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ ई, टर्मिनल वोल्टेज भी, और अब इनके उत्तेजन को बेटा निम्न उत्तेजन करेंगे, तो निम्न उत्तेजन करने पर आपको बताया गया कि पावर फैक्टर पश्चगामी, क्या होगा, ये कहानी आपको बताई गई बेटा। चलिए
पहले यही देख लेते हैं, तो कुछ इसकी विशेषताएं देख लें। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला तो आप कहेंगे कि इनका निम्न उत्तेजन करेंगे, चुंबकों का, इन चुंबकों का निम्न उत्तेजन। चुंबकीय क्षेत्र का निम्न उत्तेजन, तो निम्न उत्तेजन पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे पहला कि पावर फैक्टर कास फाइव से डिनोट कर, पावर फैक्टर कास फाइव पश्चगामी, क्या हो पश्चगामी को कहेंगे बेटा लैगिंग, पश्चगामी होगा या घटेगा दूसर का। हाँ, आर्मेचर धारा आई बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। और तीसरा विरोधी विद्युत भार, क्या विरोधी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जिसे हम लोग कैपिटल ई कह रहे हैं, कैपिटल ई जो है ये जो है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका ई इज लेस देन वी। ई ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपको बता दिया। अब ई क्या होगा? इस टर्मिनल वोल्टेज से कम। दूसर की विशेषता क्या लिखे आप? ये तो मान लीजिए पहला हो गया दूसर का, हाँ अति उत्तेजन, क्या करेंगे चुंबकों का अति उत्तेजन, अति उत्तेजन को ओवर एक्साइटेशन कहेंगे। देखिए बेटा निम्न उत्तेजन क्या है? निम्न उत्तेजन है आपको बताया गया 100% से कम, 100% से कम चुंबकों को उत्तेजित करें तो निम्न उत्तेजन। और ओवर एक्साइटेशन क्या है? 100 वही चीज 100% है, 100% होता है जब 100% से अधिक उत्तेजन करें, 100% से हाँ अधिक उत्तेजन, तो उसे कहेंगे ओवर एक्साइटेशन या अति उत्तेजन। तो जब अति उत्तेजन करेंगे, ओवर एक्साइट करेंगे, तो हमारा जो है पावर फैक्टर बढ़ेगा, कास फाइव क्या हो जाएगा, हाँ बढ़ेगा, सुधार हो, कास फाइव बढ़ेगा तो धारा आर्मेचर धारा आई क्या होगी, हाँ आर्मेचर धारा आई घटे। तीसरा क्या होगा? तब ई इज ग्रेटर देन वी हो जाए। ठीक है ना? लेकिन शक्तिमय घटक बेटा, शक्तिमय घटक आपने लिखा, शक्तिमय घटक चौथा घटक आई कास फाइव, आई कास फाइव ये शक्तिमय घटक है, ये स्थिर है, क्या है स्थिर रहेगा और प्रभावी होगा, बढ़ेगा कौन, हाँ पांचवा आपने लिखा बढ़ेगा बेटा कौन, तो आपने कहा
प्रतिघाती घट, कौन सा प्रतिघाती घटक, या इसी को कहते हैं बेटा शक्तिहीन, क्या कहें शक्तिहीन घटक, प्रतिघाती घटक को क्या कहते हैं शक्तिहीन घटक जो है ये है आई साइन फाइव, क्या आई साइन फाइव, ये बड़े तो उत्तेजन से बेटा क्या उत्तेजन से और जगह पर डीसी मोटरों की गति बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर उत्तेजन से मोटर की गति अपरिवर्तित रहेगी, सिंक्रोनस गति, ठीक है ना भैया। तो अगर निम्न उत्तेजन या अति उत्तेजन की बात करें बेटा तो यन जो है स्थिर रहेगा, यन क्या रहे हाँ स्थिर रहेगा। जब हम लोग बेटा वी और आई दो ही चीज है आपके, हम लोग वोल्टेज लगाते हैं बेटा जनरेटर में, ये वोल्टेज जो आप पढ़े थे ये वाला वोल्टेज लगाते हैं तो अपने आप उस वाइंडिंग के मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इस तरह से धारा मिलने लगती है। हमारा सेल या बैटरी भी जो है केवल वोल्टेज लगाता है और धारा अपने आप बहती है। धारा क्यों बहती है, क्योंकि इसीलिए हम लोग कंडक्टर तार जो है एल्युमिनियम का कापर का लगाते हैं, और हर पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु में नाभि होती है, नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं इसलिए नाभि उसे अपनी ओर खींच नहीं पाती है, इसलिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर धातु के अंदर इधर उधर चलते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं रैंडम गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। जब उन पर यही विद्युत वाहक बल या वोल्टेज हम लोग लगाते हैं तब ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर दौड़ने लगते हैं और इन्हीं के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहीं से आते नहीं हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे वाइंडिंग के तार में ही मौजूद होते हैं, उन्हीं को दौड़ाने के लिए ये बल लगाना पड़ता है, विद्युत वाहक बल जिसे वोल्ट में मापते हैं, जिसे विभवांतर कहते हैं, ये लगाना पड़ता है। जैसे आप लोगों को बताया जाता है कि भाई टुल्लू बहुत बढ़िया पानी देता है, लेकिन टुल्लू में कहीं पानी है नहीं, पानी तो बोरिंग में, पानी हमारे तालाब में, उसको खींच कर केवल टुल्लू हम तक पहुंचाता है, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया जल धारा दे रहा है या हमारा टुल्लू बहुत बढ़िया पानी दे रहा है, लेकिन हकीकत में उसमें कहीं पानी है नहीं। वैसे ही आपका जनरेटर बहुत बढ़िया सप्लाई या धारा दे रहा है लेकिन उसमें कहीं धारा है नहीं, वो तो विद्युत वाहक बल बना रहा, और उस विद्युत वाहक बल के कारण आपके वाइंडिंग के ही तार सर्कुलेट होने लगते हैं, और फिर अगर आप 500 वाट का हीटर लगाए हैं बेटा तो धारा कम बहेगी, आप 1000 वाट का हीटर लगा देंगे धारा पहले से दुगुनी जाने लगेगी, आप 3000 वाट का हीटर लगा देंगे तो धारा उससे भी जो है तीन गुनी जाने लगेगी। तो इस तरह से धारा कितनी बहेगी वो जो है हमारा बाहरी लोड निर्धारित करता है, आप लोड बढ़ाते जाएंगे जनरेटर से धारा बढ़ती जाएगी, लोड कम कर देंगे जनरेटर से धारा घटती जाएगी। तो हमारा इक्विपमेंट जो है जैसा लगाएंगे, जैसा इस पर लोड डालेंगे, अगर जनरेटर है तो जैसा लोड डालेंगे वैसा ये जो है अपना धारा खींचेगा लेगा। तो इस तरह से यन जो है स्थिर रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप कहें कि निम्न उत्तेजन पर क्या होगा, तो निम्न उत्तेजन पर भी बेटा जो है आपकी अगर कहें तो गति जो है गति क्या रहे, गति यन जो है वो स्थिर है। क्या क्या प्रभावित हो रहे हैं, ये तीनों जो है आपके प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग सो रहे हैं है? और रोज मैं यही बात समझाता हूँ भैया सोने क्लास में एक्टिव रहो। तो होता क्या है बेटा कि यन भी स्थिर रहेगा। अब आप देखिएगा ना कि ये जो पावर फैक्टर बढ़ेगा बेटा तो जो है कलांतर भी आपका कम होगा। पावर फैक्टर यहाँ पर बढ़ रहा है अतः कलांतर जो है
कलांतर फाई या जिसे कहेंगे फेज एंगल, क्या कहेंगे फेज एंगल बेटा घटेगा, फाई फाई फेज एंगल है, कलांतर है, फेज डिफरेंस है, ये घटेगा। और इसमें क्या है, इसमें जो है आपका फाई जो है कलांतर बढ़ेगा भैया, ठीक है ना, कलांतर बढ़ेगा बेटा, कलांतर बढ़ेगा तो उसका कास ज्यादा का मान जो है वो जीरो के करीब जाने लगता है। देखिए ना, कास 90 का मान शून्य होता है और कास जीरो का मान एक होता है। तो जितने कला कोण घटेगा वी और आई के बीच, ये मान लीजिए वी है और ये आई है, ऐसे आई जा रही, इसी के बीच का कोण जो है ये फाई कहलाता है। ये जितने कम होगा ये घटता जाएगा, ये जितने कम होगा तो कास जो है बेटा देखिए ना जीरो का मान एक होता है। अब अभी आप कास 30 ले लेंगे, इसका मान जो है घट जाएगा, करणी में 3/2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो जैसे ही आपका अभी घट गया और ऐसे ही कास 90 कर देंगे तो कास 90 का मान शून्य हो जाएगा। तो जैसे ही ये कोण बढ़ता जाएगा, ये कोण बढ़ के ऐसे हो गया, धारा आई यहाँ आ गई, ये कोण फाई का मान इतना 90 अंश हो गया, अब जो है पावर फैक्टर कास 90 बराबर 0 हो गया। तो इस तरह से ये कोण घटना चाहिए, घटेगा तब है उसका जो है, तो आप लिख रहे हैं कि ये जो है फाई जो है बढ़ेगा, तो फाई बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर जो है घटेगा, इसी का देखिए ना, ये फाई बढ़ेगा और 90 कर दिया तो पावर फैक्टर एक से घटकर 0 आ गया। तो कोण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यही फाई है, फाई का मान 0, 30 अंश, 90 अंश ऐसे बढ़ता जाएगा तो एक से ये घटने लगेगा। लेकिन अगर आप अब यहीं हम कर दें साइन 90 तो देखिए साइन 90 का मान एक हो। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये प्रतिघाती घटक आई साइन फाई बढ़ता, साइन फाई का मान बढ़ेगा लेकिन पावर फैक्टर का मान घटेगा। तो यहाँ पर भी आपका साइन फाई वाला मान जो है वो क्या होगा, ये जब फाई बढ़ेगा बेटा तो साइन फाई भी बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये फेज एंगल घटेगा बेटा, घटेगा तो हमारा जो है ये पावर फैक्टर बढ़ेगा और साइन फाई एक तरह से घटेगा, लेकिन आई साइन फाई का कुल मिला के मान वो बढ़ेगा। चलिए आगे जो है हम लोग चलते हैं। जब बेटा नॉर्मल उत्तेजन करेंगे, क्या करेंगे नॉर्मल उत्तेजन करेंगे, सामान्य उत्तेजन उसे बोलेंगे। सामान्य उत्तेजन कितना है, हाँ सामान्य उत्तेजन जो है वो 100% है। जब चुंबकों का 100% उत्तेजन करेंगे तो उसे नॉर्मल उत्तेजन कहेंगे। और नॉर्मल उत्तेजन की दशा में क्या होगा, तो नॉर्मल उत्तेजन की दशा में कास फाई यानी पावर फैक्टर एक मैक्सिमम होगा, एक अधिकतम होगा, पावर फैक्टर कास फाई एक क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा ना, नॉर्मल उत्तेजन एक होगा। तो दूसरे नंबर पर आपने लिखा कि धारा आई तब क्या होगी, न्यूनतम होगी, धारा आई क्या होगी, न्यूनतम होगी। नीचे दिख रहा है भाई, इसमें दिख रहा है, तो धारा आई बेटा हमारी न्यूनतम होगी, ठीक है, धारा आई न्यूनतम होगी बेटा। और फेज एंगल, अगली पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, और फेज एंगल क्या होगा बेटा, अगली पॉइंट यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका अगली पॉइंट फेज एंगल फाई, फेज एंगल फाई बराबर 0, तब है तो कास 0 बराबर 1 हो जाएगा तो कलांतर घटेगा, 0 होगा,
आगे बेटा ऐसी दशा में अगली पॉइंट आपने लिखा कि E बराबर V हो जाए, E बराबर क्या हो जाए, V हो जाए, ठीक। विरोधी विद्युत वाहक बल, ये विरोधी विद्युत वाहक बल जो इसमें पैदा होगा बेटा इस फार्मूले से, वो और ये टर्मिनल वोल्टेज भी, ये दोनों क्या हो जाए बराबर, E बराबर V हो जाएगा। अगली पॉइंट क्या लिखे हैं आप लोग, N स्थिर ही रहेगा, N क्या रहेगा, हाँ मोटर की गति स्थिर की स्थिर ही बनी रहेगी, ठीक है ना, और आपका जो आई कॉस फाई है वो स्थिर रहेगा, ठीक है ना। पावर फैक्टर जिस अनुपात में बढ़ता बेटा धारा उसी अनुपात में घटती है, इस तरह से आई कॉस फाई का मान स्थिर रहता है। ये सब सारी विशेषताएं, अब इनका बेटा हम लोग जो है पावर फैक्टर जो है इकाई तो होगा बेटा, ये पावर फैक्टर इकाई होगा लेकिन ये पश्चगामी होगा, कैसा हो, हाँ पश्चगामी होगा, पूछे कि इकाई और कैसा रहेगा तो आप कहेंगे पश्चगामी, क्योंकि बाइंडिंग लगी हुई है, कुंडली है मोटर, ये सब बाइंडिंग है लगी, और बाइंडिंग के कारण हम लोग जानते हैं कि पावर फैक्टर, हाँ कुंडलियाँ जो है पश्चगामी करती हैं, क्योंकि कुंडलियों में वोल्टेज आगे रहता है 90 अंश और धारा 90 अंश पीछे रहती है, तो कालांतर 90 अंश है बेटा, ठीक है, फेज डिफरेंस फेज एंगल फाई का मान 90 अंश है, और फिर जो है जब धारा पीछे रहती है तो हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर पश्चगामी है, धारा आगे चलती है तो हम लोग कंडेंसर में धारा आगे चलती है तो उसमें जो है हमारा पावर फैक्टर अग्रगामी है, और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा और वोल्टेज इन फेज होते हैं इसलिए कलांतर शून्य होता है, कलांतर शून्य का यही कलांतर शून्य का फाई शून्य का यदि कास ले लिया जाए तो इसी को पावर फैक्टर कहते हैं, तो इसी का हम लोग कास लेते हैं तो कहते हैं पी एफ बराबर हो गया कास, यही फेज एंगल फाई का कास ले लिया और इसका मान शून्य है तो बराबर रख देते हैं कास शून्य और बराबर एक हो जाता है, और ये एक जो है पावर फैक्टर का मान अधिकतम होता है, और किस परिपथ के लिए होता है, शुद्ध प्रतिरोधी के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमारा पावर फैक्टर अग्रगामी हो और फिर भी हम उत्तेजन को बढ़ा, क्या अगली पॉइंट आपने लिखा, ये तो तीन सामान्य पॉइंट हुई, फिर एक चौथी पॉइंट आपने लिखा कि हमारा पावर फैक्टर जो है अग्रगामी है, जब आप अति उत्तेजन करेंगे तो पावर फैक्टर कास खाई बढ़ेगा बेटा और ये क्या होगा अग्रगामी हो, क्या होगा अग्रगामी होगा अति उत्तेजन, इसको हम लोग कहेंगे लीडिंग हो, क्या कहेंगे लीडिंग, हाँ लीडिंग का, और जब बेटा पश्चगामी को लैगिंग का, तो जब ये अग्रगामी या लेडी है और उसके बाद भी हम उत्तेजन को और बढ़ाते जाते हैं, उत्तेजन को और बढ़ाते तो क्या होगा, तो अगली पॉइंट आपने लिखा कि अग्रगामी पावर फैक्टर पर यदि उत्तेजन को बढ़ाते, अब एक पॉइंट आपने लिखा है बेटा विशेषता में कि अग्रगामी शक्ति गुणक पर, शक्ति गुणक पर उत्तेजन बढ़ाएं, उत्तेजन को बढ़ाएं तब क्या होता है, अब पावर फैक्टर बढ़ने के बजाय घटने लगे, बढ़ाएं तब तब बेटा पावर फैक्टर यानी कि एफ कास फाई घटता है, ठीक, ये हो गया पहली पॉइंट। दूसरा
धारा आई, आर्मेचर धारा आई बढ़ेगी तब ठीक है। तीसरा आपने लिखा शक्तिमय घटक, शक्तिमय घटक बेटा आई का स्पाइक स्थिर रहेगा। आगे लिखा बेटा शक्तिहीन घटक, शक्तिहीन घटक बढ़ेगा आई साइन बदले या बढ़े, ये आपने लिखा। अब आगे और भी इसकी विशेषताएं आपने लिखा। अगली विशेषता क्या लिखा, ये विशेषता चल रही है, अगली विशेषता आपने लिखा हमारी। अब सिंक्रोनस मोटर की अगर हमें परिभाषा देना है तो सिंक्रोनस मोटर की परिभाषा क्या देंगे, सिंक्रोनस मोटर की परिभाषा ये देंगे बेटा, वह मोटर जो शून्य लोड से लेकर फुल लोड तक एकदम स्थिर गति पर चलती है, ऐसी मोटर को हम लोग परम स्थिर गति वाली मोटर अथवा अंग्रेजी में सिंक्रोनस मोटर अथवा हिंदी में तुल्यकाली मोटर का। क्लियर हो गया? तो परिभाषा आप देंगे कि वह वैद्युत मोटर जो शून्य भार से लेकर, शून्य भार से लेकर फुल लोड तक, फुल लोड तक स्थिर गति पर चलती है, स्थिर गति पर, गति पर चलती है, उसे परम स्थिर गति, परम स्थिर गति मोटर या तुल्यकाली मोटर, तुल्यकाली मोटर बेटा कहेंगे या सिंक्रोनस मोटर का, अंग्रेजी में सिंक्रोनस मोटर का। अगली पॉइंट, इसकी संरचना अभी आपने कहा कि एसी जनरेटर के समान, तो अगली पॉइंट लिख लें, इसकी संरचना प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक को ही एसी जनरेटर कहते हैं, तो प्रत्यावर्तक के एकदम समान है, अतः एसी जनरेटर को, एसी जनरेटर जी लिख दिया बेटा, जनरेटर को तुल्यकाली मोटर की भांति, तुल्यकाली मोटर की भांति वह तुल्यकाली मोटर को, तुल्यकाली मोटर को बेटा तुल्यकाली, तुल्यकाली जनरेटर या एसी जनरेटर, तुल्यकाली जनरेटर अथवा एसी जनरेटर की भांति प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एसी जनरेटर को ही अब बना दिया बेटा, क्या बना दिया, यही हो गई हमारी सिंक्रोनस मोटर। पूरी कहानी आप लोगों ने पढ़ा, सिंक्रोनस मोटर अब यही हो गई, सिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर? हाँ, सिंक्रोनस मोटर, दोनों की संरचना एकदम सेम है। यही हो गई तुल्यकाली मोटर।
क्लियर है भाई। तो वह तुल्यकाली मोटर को तुल्यकाली जनित्र की भांति प्रयोग कर सकते। अगली पॉइंट लिखे आप कि इसमें देखिए इधर से बेटा डीसी डालेंगे और उधर से एसी। तो इस मोटर में एसी सप्लाई, एसी व डीसी दोनों सप्लाई आवश्यक होती है। अगली पॉइंट, इस मोटर में भी आर्मेचर वाइंडिंग को बेटा स्टेटर व फील्ड को FIELD बेटा फील्ड को रोटर पर रखते हैं। देखिए ये फील्ड हमारा धुर्रे पर है, ये नाचेगा तो ये रोटर हो गया और ये मेन वाइंडिंग जो है बेटा वो स्टेटर पर है। इस मेन वाइंडिंग को ही हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे या स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। अगली पॉइंट, रोटर को एक्साइट करने हेतु डीसी संट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। डीसी संट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। आगे बेटा इसके बाद जो है डीसी संट जनरेटर का जब इसमें बेटा प्रयोग करेंगे उसके बाद भी ये मोटर जो है चलेगी नहीं। अगली पॉइंट कहेंगे कि यह सेल्फ स्टार्ट नहीं है, यह सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। अगला, क्योंकि बेटा इसका स्टार्टिंग टार्क शून्य है, इसका स्टार्टिंग टार्क लगभग शून्य। स्टार्टिंग टार्क इसका शून्य है। अगला आपने लिखा इसकी गति बेटा NS बराबर 120 F/P से ज्ञात करते हैं। इसकी सिंक्रोनस गति NS क्या सिंक्रोनस गति इस फार्मूले से ज्ञात कर। अगली पॉइंट, अब इसकी गति यदि बदलनी ही है तो क्या करें, इसको मिटा दो बेटा। इसकी गति को यदि बदलना है या चेंज करना है तो देखिए हमें यह फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तभी जाके इसकी गति बदलेगी। अगली पॉइंट लिख लें, परम स्थिर गति मोटर है, यह परम स्थिर गति मोटर है फिर भी
यदि गति बदलना है तो फ्रीक्वेंसी बेटा कन्वर्टर या फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ऑसिलेटर को बेटा दो लीटर कहेंगे ऑसिलेटर या दोलित द्वारा फ्रीक्वेंसी एफ को बदलकर गति बदली जा सके। अगला तो इसकी गति को हम लोग ऐसे बदल लेंगे बेटा, लेकिन अब इसको लगाएंगे चेंज करने के लिए तो आपकी जो है लागत बढ़ने लगेगी। अगला यह भी दोलन प्रभाव से या हंटिंग या दोलन प्रभाव से प्रभावित होती है। आगे आपने लिखा गति की दिशा फेज के किन्हीं दो तारों को आपस में बदल कर बदल सकते हैं। गति की दिशा बेटा क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज करना या क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है, तो गति की दिशा फेज के किन्हीं दो तारों को आपस में बदल कर बदल सकते। इसका उपयोग पावर फैक्टर पावर फैक्टर संशोधन में भी कर सकते हैं। पावर फैक्टर कोस्ट में कास पाई के संशोधन में भी करते हैं। तो ये सब जो है इसके हाँ विशेषताएँ हैं, कर सकते हैं। और ऐसी दशा में जब ये पावर फैक्टर संशोधन करेगी तो ऐसी दशा में इस मोटर को अब सिंक्रोनस मोटर न करके ऐसी दशा में इसे सिंक्रोनस कंडेंसर कर सिंक्रोनस कंडेंसर कर या तुल्यकाली संधारित्र कर। ये
लिख ले बेटा, इसके पोलों पर चूंकि ये बेटा स्टार्टिंग टॉर्क शून्य है, प्रवर्तन बल आघूर्ण शून्य है, तो इसके पोल शू पर बेटा डैम्पर वाइंडिंग करके इसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। इसे सेल्फ स्टार्ट को कहेंगे बेटा स्व प्रवर बनाया जाता है। तो हंटिंग आप लोग पिछले उसमें टॉपिक में पढ़ चुके हैं, जो रोटर बेटा जब इस पर लोड बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये जो है रोटर जो है थोड़ा सा क्या होगा, या वोल्टेज में परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, रोटर जो अपनी सामान्य स्मूथली रोटेटिंग गति कर रहा है उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा दोलन भी करने लगता है, वाइब्रेशन आने लगता है, तो उसी को हम लोग हंटिंग कहते हैं। तो इस तरह से भी हम लोगों की वैद्युत ऊर्जा का एक तरह से क्षय होता है, तो ये भी दोलन प्रभाव से या हंटिंग प्रभाव से प्रभावित होती है। और ये विस्तृत माने इसके जो ये विस्तृत पावर फैक्टर के रेंज में कार्य करते, निम्न पर भी चलेगी, उच्च पर भी चलेगी और सामान्य पर भी चलेगी, तो सभी पावर फैक्टर पर, तो यह शक्ति गुणक के के विस्तृत बेटा लिख लेंगे, विस्तृत जो विस्तृत परस्पर कार्य करती है। पोस्ट में बेटा पश्चगामी शक्ति गुणक से लेकर लेकर अग्रगामी शक्ति गुणक तक कार्य करती है। और क्या है इसमें कोई पॉइंट? बकिया तो ये सब आप लोग जानते ही हैं, जब ये तो वो सब सारी बातें उधर हुई कि भाई पावर फैक्टर बढ़ाना है बेटा तो इसे अति उत्तेजित करके चलाना, पावर फैक्टर बढ़ाना है इसे अति उत्तेजित करके चलाना है और छुच्छे चलाना, निर्भार पर चलाना, ठीक है ना? और इन्हें हम लोग सप्लाई के समांतर में जोड़ दें। अब चूंकि एक और भी बात है कि इसमें जो है स्टार्टिंग टार्क शून्य है बेटा, इसलिए इसे लोड पर नहीं स्टार्ट कर, पुली पट्टा लगा हुआ लोड डाले हुए, जैसे आपका गन्ना लगा हुआ है, चारा लगा हुआ है या चक्की में गेहूं पड़ा हुआ है, तो बिजली चली गई तो फिर दोबारा बिजली आई, तो आप जो है लोड पर नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले पट्टा उतार देंगे क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क शून्य है, ठीक है ना? हाँ, तो वो भी पॉइंट आप लिख लें कि स्टार्टिंग टार्क शून्य होने के कारण शून्य
शून्य होने के कारण बेटा इसे लोड पर स्टार्ट नहीं किया जा सकता, इसे लोड पर स्टार्ट नहीं किया जा सकता। अब लोड पर स्टार्ट करेंगे तो फिर चलेगी नहीं और ना ही हूं करेगी, ठीक है ना। अगली पॉइंट आपने लिखा है कि ओवरलोड होने पर अति ओवर लोड होने पर अकस्मात हाँ रुक जाए। कहने मतलब यह है कि अगर लोड हम बढ़ाते जाएं तब भी ये अपने सिंक्रोनस गति पर ही चलेगी, लेकिन जब इसकी क्षमता से बहुत अधिक लोड बढ़ा देंगे तो ये अकस्मात रुक जाएगी, हूँ करके अन्य मोटरों की तरह से कि स्पीड थोड़ा कम हो गई, मोटर हूँ कर रही भाई थोड़ा चारा कम कर दो हाँ तो फिर स्पीड पकड़ ली, ऐसा कुछ नहीं है इस मोटर के विषय में। इस ये बेटा अगर चल रही है तो अपने स्पीड पर ही चलेगी, हूँ करके नहीं चलेगी, स्लो स्पीड पर नहीं चलेगी और नहीं तो नहीं चलेगी बंद। तो ये सब इसकी क्वालिटी रही और आपको बताया गया कि जब इसे हम लोग जो है प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो हम लोगों ने कहा कि इसका प्रयोग हम लोग जो है ऐसी जगहों पर करेंगे जहाँ पर हमें परम स्थिर गति की जरूरत। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे तो ये सब इसकी विशेषताएँ रहें। अब इनका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, इनका प्रयोग पहले देख लें। प्रयोग जो है स्थिर गति वाले कार्य में करें, स्थिर गति वाले कार्य में करेंगे, कार्य में करेंगे भैया लिख लेंगे, कार्य में करेंगे पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट हाँ जहाँ स्थिर गति की जरूरत है बेटा वहीं कर, जहाँ पर गति को बदलना नहीं है अथवा स्थिर गति की जरूरत है। दूसरे का जहाँ भार बेटा हमारा भार स्थिर है, जहाँ पर लोड हमारा कम ज़्यादा नहीं हो रहा, एक परमानेंट जो है लोड काम कर रहा, वहाँ पर इसका प्रयोग कर रहा जहाँ भार स्थिर है। तीसरा का लिख ले बेटा बोल्टता पाथ को नियंत्रित करने या हाँ वोल्टेज ड्राफ्ट या बोल्टता पाथ को भी ये नियंत्रित करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हाँ पावर फैक्टर बढ़ाने, पावर फैक्टर को संशोधित करना। संशोधित करने इन सब कार्यों के लिए इनका हम लोग प्रयोग करें, ठीक है ना। पावर फैक्टर हम लोग बढ़ाएंगे, अभी आपने देखा ना कि जैसे ही बेटा हम लोगों का पावर फैक्टर बढ़ता है घटता है तो आपने कहा कि E बराबर V हो जाएगा, हाँ E इज ग्रेटर देन V हो जाएगा, E इज लेस देन V हो जाएगा, तो विरोधी विद्युत वाहक बल हमारा क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। इस तरह से हम लोग वोल्टता पाथ को भी नियंत्रित करते हैं, तो ये वोल्टता पाथ को भी नियंत्रित करेंगे। पावर फैक्टर को आपने कहा कि अग्रगामी पावर फैक्टर पर अति उत्तेजित करके निर्भार पर चलाएं, क्या करेंगे इस मोटर को बेटा अब जो है हम लोग बिना लोड के और इसके उत्तेजन को बेटा अति उत्तेजित करके
और जब इसे हम लोग चलाएंगे तो ये अग्रगामी पावर फैक्टर पर चलेगी, पावर फैक्टर सुधारने का काम करेगी। और अगर हमारी लाइन है बेटा, वितरण लाइन है या कोई लाइन है, वहाँ पर अगर पावर हमारा जो है फैक्टर घट रहा है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो मानक पावर फैक्टर है इंडिया में, वो मानक चीज़ का मान जो है, मानक मान जो है वो हमारा 0.8। इस मानक मान को हमें पूरा करना है अथवा पावर फैक्टर इकाई रखना है। अब आपको मालूम है कि जितनी भी हमारी मोटरें लगी हुई हैं वो इंडस्ट्री में बेटा, सभी मोटरें जो है प्रेरण मोटर। तो प्रेरण मोटर क्या है? तो प्रेरण मोटर में हम लोग जो है बेटा, कल बात हुई थी कि स्टेटर पर एक वाइंडिंग कर दिया, मेन वाइंडिंग स्टेटर पर कर दिया, ऐसे इसे कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ से भी और आई इसमें डालेंगे, और एक घुर्रे पर वाइंडिंग कर दिया, इसे कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हो गई प्राइमरी और ये हो गई आपकी सेकेंडरी। तो अब जब इसमें हम लोग एसी, यहाँ से एसी सप्लाई बेटा वी वोल्ट की डालते हैं एसी सप्लाई, तो प्रेरण के कारण इसके फ्लक्स इन वाइंडिंगों से कटने लगते हैं और ट्रांसफार्मर की तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने आप धारा बहने लगती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल बनेगा और इसमें धारा बहने लगती है। अब ये भी धारा बहेगी तो ये भी चुंबकीय हो जाएगी, ये भी चुंबकीय हो, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र टकराने लगते हैं और फलस्वरूप ये हमारा रोटर नाचने लगता है। ये है प्रेरण मोटर, और यही मोटर जो है ये इंडक्शन के सिद्धांत पर काम कर रही है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम कर रही है, प्रेरण के सिद्धांत पर, इसलिए इस मोटर का नाम है प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर भैया या इंडक्शन मोटर, ठीक है ना? तो अब इनमें सब क्या लगा, सब वाइंडिंग लगी, सब कुंडली लगी, आपके ट्रांसफार्मर में भी कुंडली लगी। अब आप कुंडली में पढ़े हैं कि कुंडली में भी अगर बेटा धारा अगर यहाँ पर है तो वोल्टेज जो है ऐसे 90 अंश अग्रगामी होता है। वोल्टेज क्या है? VL, IL कुंडली में, तो IL से उसका वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी होता है। और जब वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी होगा तो और धारा 90 अंश पीछे होगी, तो इसी को हम लोग जो है फाई कहते हैं, कलांतर फाई बराबर 90 अंश। अब इसी का पावर फैक्टर ज्ञात करना है तो कास लेंगे और लिखेंगे कास फाई बराबर कास 90 और बराबर 0। कास 90 का मान 0 होता है, अतः कुंडली में पावर फैक्टर 0 हो जाता है, और वो भी धारा पीछे चल रही है तो 0 और कहेंगे पश्चगामी होता है। कुंडली में पावर फैक्टर 0 और पश्चगामी होता है। इस तरह से जितनी भी प्रेरण मोटर आप लगा रहे हैं और जितना भी आप ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं उसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये इस टाइप के जितने भी आप लोड डाल रहे हैं अथवा आप प्रेरण भट्टी लगा रहे हैं, कौन सी भट्टी, प्रेरण भट्टी लगा रहे हैं या आर्क भट्टी लगा रहे हैं जिसे आप कहेंगे आर्क फर्नेस यानी भट्टी, तो ये इन सब में जो है ये कुंडलियाँ लगी हैं। इन कुंडलियों के कारण उनका पावर फैक्टर जो है 0 की ओर भागने लगता है, घटने लगता है। तो हम लोग अगर 0.8 या 1 की सप्लाई देते हैं तो उनको ये सब मोटरें जो है घटा के 0.5 तक ला देती हैं पावर फैक्टर, इन्हीं लोडों के कारण। और ये जो है एसी मोटर जो है यही सबसे ज़्यादा हर जगह प्रयोग की जाती है, इसलिए इस मोटर को हम लोग इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। यही है इंडस्ट्रियल मोटर, ये है इंडस्ट्रियल मोटर यानी औद्योगिक मोटर, यही है प्रेरण मोटर, सर्वाधिक प्रयोग होती है, हम लोग घरों में भी प्रयोग करते हैं। तो इन सब में यही कुंडली लगी है, यही क्वायल लगी है, और इस क्वायल के कारण इसी क्वायल के लोड को, इनको लोड को हम लोग कहेंगे इंडक्टिव लोड। ये कौन सा लोड है? हाँ बेटा इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड को कहेंगे प्रेरकीय लोड है। कौन सा लोड है? प्रेरकीय लोड है या इंडक्टिव लोड है, प्रेरकीय लोड है।
अथवा कुंडली वाला लोड है, ये सारे लोड, ये प्रेरण मोटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, प्रेरण भट्टी हुआ, आर्क भट्टी हुआ, ये पावर फैक्टर को जो है घटाकर ये जो है जीरो की ओर ले जाते हैं, तो 0.8 से घटाकर 0.5, क्योंकि इन वाइंडिंग में प्रतिरोध भी तो है, तो प्रतिरोध के कारण जो है हमारा पावर फैक्टर एक की ओर भागता। सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर इकाई है आपके रेजिस्टेंस, तो इस तरह से 0.5 की ओर ले आएंगे बेटा, तो 0.5 की ओर ले आएंगे तो पावर P बराबर क्या होता है, वी बुढ़े आई बुढ़े कास फाई होता है, यही कास फाई पावर फैक्टर कम होगा तो हमारा धारा आई जो है बढ़ने लगेगी, धारा आई क्या होगी बढ़ेगी, यही पावर फैक्टर जहाँ जहाँ कम हो रहा है आपने भी लिखा कि पावर फैक्टर घटेगा तो धारा आई बढ़ेगी, तो यही देखिए पावर फैक्टर जैसे ही कम होगा धारा आई बढ़ जाएगी, और धारा आई बढ़ जाएगी तो आई स्क्वायर आर से जो है लॉसेस बढ़ जाएंगे, आई स्क्वायर आर से लॉसेस बढ़ जाएंगे तो मोटर की दक्षता या लाइन की दक्षता घट जाएगी, दक्षता घट जाएगी फिर आई बढ़ेगा तो हमें मोटा तार लगाना पड़ेगा, आई बढ़ जाएगा तो पावर पी, अरे वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर से आई बढ़ने से हमारा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपने फार्मूला लिखा अब कुल हो जाएगा आई जेड, तो ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो वोल्टता नियमन आपका पुअर हो जाएगा, ये सब सारी बातें आपको बताएगा, फिर आई बढ़ जाएगा तो आपको मोटा तार लगाना पड़ेगा, ज़्यादा धारा के लिए मोटा तार, जैसे हीटर ज़्यादा धारा खींचता तो हम लोग मोटा तार लगा, तो ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन का अगर पावर फैक्टर घट जाएगा तो आपको जो है धारा बढ़ जाएगी तो मोटा तार लगाना होगा, मोटा तार लगाएंगे तो मोटे मोटे खंभे लगाने होंगे, मोटे मोटे इंसुलेटर लगाने होंगे, फिर उनको बियर करने के लिए क्रॉस आर्म हैवी लगाना होगा, फिर उतना हैवी फाउंडेशन उनका बनाना होगा, तो बहुत सारा जो है केवल पावर फैक्टर के लो होने से और धारा आई के बढ़ने से जो लाइन जो है आपकी 1 करोड़ रुपए में बन सकती थी अब उसका खर्चा 2 करोड़ 3 करोड़ हो गया, तो इस तरह से बहुत सारा जो है फैक्टर जो है इस पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, इसलिए पावर फैक्टर को बढ़ाना जरूरी है, पावर फैक्टर धारा आई कम हो गई तो धारा आई जब मोटरों में आप अपने डालेंगे ये तो धारा आई का मान पावर फैक्टर जैसे ही कम होगा धारा बढ़ जाएगी, धारा बढ़ जाएगी तो मोटर आपकी हीट होने लगेगी, आई स्क्वायर आर से बाइंडिंग महकने लगेगी, तो ये सब समस्याएं आने लगेगी, मोटर की दक्षता घट जाएगी, मोटर जल्दी जल्दी हीट हो लेने लगेगी, तो ये सब प्रॉब्लम आएगी, तो इन सब कारणों से हम लोग जो है पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं, और पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे तो इस मोटर को यही जो तुल्यकालिक मोटर है इसे निर्भार पर अति उत्तेजित करके और लाइन के समांतर क्रम में जोड़कर चला, और इसका उत्तेजन जो है इसके चुंबकों का उत्तेजन जो है इतना कंट्रोल करेंगे रेगुलेटर लगाकर कि इतना हम रखें कि पावर फैक्टर 0.8 के रेंज में रहे, तो यही बात आपको बताएंगे कि चुंबकों का अति उत्तेजन तो करेंगे लेकिन कितना उत्तेजन करेंगे, इतने रेगुलेटर द्वारा रेगुलेट करके करेंगे कि ताकि मानक मान जो है 0.8 है उसके रेंज में हमारा पावर फैक्टर हमेशा बना रहे, तब जो है फैक्ट्रियों में भी ये पावर फैक्टर सब जगह सब मोटरों को मिलेगा, तो इसलिए इसका पावर फैक्टर सुधारने में महती भूमिका है, और जब ये पावर फैक्टर सुधारेगी तो इसे कहेंगे सिंक्रोनस कंडेंसर तुल्यकालिक संधारित्र, ये सब बातें हो गई। इसके अलावा आप इन मोटरों का प्रयोग, इन मोटरों का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करेंगे, तो आपने कहा कि भाई पेपर मिल में भी करेंगे, रबर मिल में भी करेंगे, सीमेंट उद्योग में भी करेंगे, और जहाँ पर बेटा हम लोग जो है उत्पादन कर रहे अल्टरनेटर चला रहे हैं, अल्टरनेटर की गति परम स्थिर होनी चाहिए, उसके गति में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटर तो अल्टरनेटर को भी चलाने के लिए यानी वैद्युत ऊर्जा का जनन करने के लिए परम स्थिर गति की आवश्यकता होती है, तो उस अल्टरनेटर को भी चलाने के लिए हम लोग तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, अगर मोटर से चलाना, ये बातें समझ में आई।
अब यही मोटर में बेटा, ये मोटर आपकी इस टाइप की थी, देखिए अभी यही प्रेरण मोटर है और यही मोटर में हम लोग जो है यहाँ पर अब चुंबक लगाए थे, तो यही थी आपकी सिंक्रोनस मोटर, बोलिए ना। अब क्या करते हैं, इन्हीं पोलों पर डैम्पर वाइंडिंग कर देंगे, इन्हीं पोलों पर क्या करेंगे, हाँ एक डैम्पर वाइंडिंग यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, जितने पोल रहेंगे उतने डैम्पर वाइंडिंग लगा दें। अब डैम्पर वाइंडिंग होती क्या है, तो आपने कहा कि तांबे का मोटी जो है बेटा एक छल्ला होता है, रिंग होती है, और जिसके इन दोनों इंड को जो है हाँ शॉर्ट करा देंगे। अब क्या होगा, इसमें धारा बहने लगे, तो जैसे प्रेरण के कारण इस कुंडली में धारा बह रही थी, यहाँ वाली जो कुंडली थी उसमें धारा बह रही थी, अब जो है क्या होगा, ये जो आप डैम्पर वाइंडिंग, ये जो डैम्पर वाइंडिंग आपने लगा दिया, यही है डैम्पर वाइंडिंग। तो बहुत पूछता है कि डैम्पर वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं, तो पोल शू पर, इसे क्या कहें, पोल शू पर डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग है क्या, मोटे तांबे का छल्ला या पट्टी, तो इसे क्या करते हैं, इन पोल शू में खांचे काट कर उसमें पहना दे अथवा छेद करके उसमें पहना देते हैं और केवल उसके मुंह को शॉर्ट कर। अब क्या होगा, अभी तक ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं, अब क्या करेंगे, जैसे ही इसके परिवर्ती इसमें एसी धारा डाल रहे हैं, एसी का मान यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ पर जीरो है एसी का मान, तो एसी अपना मान बदलती रहती है, जिससे इसके कारण परिवर्ती फ्लक्स डी फाई उत्पन्न होता है। कैसे फ्लक्स उत्पन्न होता है, परिवर्ती फ्लक्स, डिफरेंस इनटू फ्लक्स, वो उत्पन्न होंगे, वो परिवर्ती फ्लक्स इसी, देखिए ना ये आपकी जो डैम्पर वाइंडिंग है, इस डैम्पर वाइंडिंग से ये परिवर्ती फ्लक्स कटते हैं, जिससे इसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता और एक उसके कारण धारा बहने लगती। अब जब धारा बहने लगेगी तो ये भी चुंबकीय हो जाएगी, ये भी चुंबकीय हो जाएगी, इसका इसका चुंबकीय क्षेत्र इस बाइंडिंग के चुंबकीय, मेन बाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने लगता है, और जैसे प्रेरण मोटर नाचने लगी वैसे ही अब इसका भी ये नाचने लगता है, इस तरह से मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला अभी आपने पढ़ा था ना कि ऐसे ही मोटर है, ये मोटर है बेटा, यहाँ पर धुर्रे पर एक वाइंडिंग लपेट दिया और एक मेन वाइंडिंग यहाँ लपेट दिया, अब इसमें एसी धारा डाल रहा है तो ये अपने आप नाचने लगती है, वैसे अब ये भी जो है हाँ इस वाइंडिंग का काम करने लगती है और प्रेरण के सिद्धांत पर ये भी नचाने लगती है। इस तरह से हमारी जो है सिंक्रोनस मोटर को डैम्पर वाइंडिंग लगा सेल्फ स्टार्ट बना सकते। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद।